दोस्तों, अगर आपकी भी मांसपेशियों में काफी दर्द होता है, अगर आपकी भी हड्डियों में बहुत दर्द होता है, बहुत खिंचाव महसूस होता है, तो सिर्फ एक चीज के द्वारा आप इस दर्द को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी जरूरत से ज्यादा थकान रहती है, थोड़ा सा काम किया और आप थक गए, या फिर थोड़ी सी चीज की चिंता आपको बहुत ज्यादा रहती है, तो दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक चीज की कमी है। अगर उस एक चीज को आपने पूरा कर लिया तो ये सारी की सारी समस्याएं, यानी कि डिप्रेशन रहना, बहुत ज्यादा थकान रहना, मांसपेशियों में दर्द रहना, हड्डियां कमजोर हो जाना या फिर इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ जाना, ये सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक चीज है, विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, दिमाग को स्वस्थ रखता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, कैंसर जैसी समस्या से भी हमें बचा कर रखता है। लेकिन विटामिन डी भी दो तरह का होता है, विटामिन D2 और D3। ये दोनों ही चीजें अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर बनने का सबसे आसान साधन क्या है। दोस्तों, वो है सूरज की किरणें, जिसमें आती है अल्ट्रावायलेट बी। दोस्तों, जब हम सूरज की किरणों के संपर्क में आते हैं तो हमारी स्किन के अंदर 70 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल यौगिक के साथ मिलकर हमारी बॉडी जो है वो विटामिन D3 बनाने का काम करती है। लेकिन अगर हम धूप के संपर्क में जाते हैं तो, अगर हम कमरे के अंदर बैठे रहेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन D3 नहीं बन पाएगा। इसके अलावा विटामिन D2 कैसे बनता है, तो जो भी पौधे सूरज की रोशनी के अंदर ज्यादा खिलते हैं, ज्यादा पनपते हैं, वो अगर हम सेवन करें तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन D2 की कमी नहीं हो सकती। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बाहरी साधन, यानी कि खाने वाली ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके द्वारा हम विटामिन D3 और D2 को अपने अंदर ले सकते हैं। सूरज की किरणों से तो हम विटामिन D3 ले ही सकते हैं, लेकिन D3 लेने का और साधन है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा, मछली, फिश ऑयल, दूध, दही, मक्खन, जितने भी डायरी प्रोडक्ट हैं, यानी कि दूध से बनी जितनी भी चीजें हैं, इनके अंदर, और नॉन वेज, और दूध भी नॉन वेज के अंदर ही आता है क्योंकि वो भी हमें एनिमल से ही मिलता है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें विटामिन D3 की कमी को पूरा करती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं विटामिन D2 की। ये हमें पौधों से मिलता है, यानी कि कुछ ऐसी डाइट, वो डाइट मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले D2 लेने के लिए आप मशरूम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, आप ओट्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, आप बादाम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, सोया मिल्क शामिल कर सकते हैं, संतरा या संतरे का जूस ले सकते हैं। दोस्तों, इन साधनों के द्वारा आप विटामिन D2 को अपनी डाइट में ले सकते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी पूरा है, यानी कि विटामिन D3 भी और विटामिन D2 भी पूरा है, तो आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम, फास्फोरस की कमी नहीं हो सकती। विटामिन डी शरीर के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस को सही मात्रा में बनाने में मदद करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, मांसपेशियों को स्ट्रांग करता है, नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करता है, नसों में ताकत भर देता है, दिमाग को तेज करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, ऑक्सीजन लेवल को हमारी बॉडी में सही करता है, डिप्रेशन को ये विटामिन डी दूर करता है, यानी कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी पूरा है तो आपको तनाव या गुस्सा कम आएगा। इसके अलावा प्रोटीन को पचाने का काम भी विटामिन डी करता है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो आप अपना विटामिन डी चेक जरूर करवाइए। अगर आपके बाल झड़ते हैं फिर भी आपको अपना विटामिन डी चेक करवाना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि ये आपके लिए काफी यूजफुल होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।